जय हिंद मेरे प्यारे भूतपूर्व सैनिकों, 23 अक्टूबर सैनिक खबरों में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल गई है जिसके आप देख पा रहे होंगे। वन रैंक वन पेंशन ORP2 का एरियर जल्द ही भूतपूर्व सैनिकों को प्राप्त होगा। उसकी 31 नवंबर लास्ट डेट है जिसका प्रक्रिया अब शुरू हो चुका है। PCDA की तरफ से क्या अपडेट आया ये भी बताएंगे। सैनिकों का क्या स्टेप लिया है, सैनिकों ने क्या इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए कौन सा पहल होने वाला है, सब कुछ बताने वाला हूँ। उससे पहले बता दें कि हवलदार जो रिटायर्ड होते हैं और ऑनरी नायक सूबेदार जो होते हैं उनकी किस्मत चमकी। अब कैसे किस्मत चमकी वो इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे। 2100 पेंशन में इजाफा हो जाएगा और बता दें ECHS लिक्वर कोटा में भी इजाफा है। XME प्राइवेट कार्ड के बारे में बताएंगे। फिर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का एक महत्वपूर्ण नोटिस निकल के आया है तो वो भी नोटिस बताएंगे। आज है दिनांक 23 तारीख और आज के सैनिक खबरों में सभी भूतपूर्व का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करने में और वीडियो को लाइक करने में कोई भी कंजूसी ना करे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि हवलदार और नायक सूबेदार की किस्मत कैसे चमकी। द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से ये एकदम लेटेस्ट न्यूज है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट इशू किया है कंटेम्प्ट नोटिस टू सीनियर MOD ऑफिशियल्स। मतलब जो MOD के जो सीनियर ऑफिसर्स है एंड जनरल मैनेजर्स मेजर जनरल्स है उनको एक कंटेम्प्ट ऑफ नोटिस भेजा गया है। और इसमें मैं बता दूं कि किस चीज का नोटिस है तो आपको ध्यान रहेगा। सिंपल शब्दों में बता दूं, सुनिएगा ध्यानपूर्वक, स्किप ना कीजिएगा क्योंकि आज बहुत सारी सैनिक खबरें हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो रिटायरीज होते हैं यहाँ पे द इशू ऑफ प्रीटेंस ऑफ द मैटर ऑफ रिटायरीज ऑफ रैंक ऑफ ऑनरी नायक सूबेदार, मतलब जो हवलदार से रिटायर होके उनको ऑनरी नायक सूबेदार मिल जाता है जिनको, या ऑनरी नायक सूबेदार जो है हु वर नॉट पेड इंटरेस्ट ऑन देयर पेंशन, उनको उनके पेंशन पे जो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था। और ये आपको बता दें EFT में केस चल रहा है 2017 से, आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल का 2017 का जो केस है फिर से उजागर हुआ है। और अभी आप लंबा चौड़ा पूरी कहानी निकल के आई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफी अलग अलग न्यूज चैनलों में और अलग अलग सोशल मीडिया में निकल के आया, देख सकते हैं यहाँ पे। MOD ऑफिशियल्स फेस कंटेम्प्ट फॉर इग्नोरिंग EFT ऑन पेंशन। EFT ने पहले भी किया था, उसको इग्नोर किया, जिसके कारण अब ये 23 अक्टूबर का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया कि आर्मी MOD ऑफिशियल्स फेस कंटेम्प्ट ऑफ इग्नोरिंग आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल ऑन पेंशन। तो ये एक अच्छा है, आपको देखने को मिलता है इसमें पेंशन का इजाफा होगा। मैं सारा कहानी यहां पे दिखा दूं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट हैज इशूड अ कंटेम्प्ट नोटिस ऑन अलका शर्मा प्रिंसिपल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर एट द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मेजर जनरल अशोक सिंह फॉर एलिजेड नॉट कंप्लाइंग विद द ओल्डर ऑफ द आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल EFT चंडीगढ़ टू गिव पैनल अमाउंट टू रिटायर्ड नायक सूबेदार। रिटायर्ड नायक सूबेदार जो होते हैं उनके लिए जस्टिस अरविंद कुमार सिंह, देख सकते हैं यहाँ पे A to Z दिया हुआ है, तो इससे काफी भूतपूर्व सैनिकों को राहत मिलेगी। उसी बीच एक हमारे पास न्यूज निकल के आ रहा है जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से, जो बताया आपको रेल रोको आंदोलन 25 नवंबर को होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है, विसंगतियां पे अभी तक कोई एक्शन नहीं लेगा, विसंगतियां नहीं हटाएगा क्योंकि 2023 में फिर से ORP3 का एरर डिस्ट्रीब्यूट होगा और उस टाइम फिर से हमारे पेंशन धारक के जो अभी फेस करना पड़ रहा है वही उसके ऐसा आगे ना हो, अभी ठीक हो जाए तो आगे भी ठीक रहेगा। इसके लिए और भी काफी डिसेबिलिटी पेंशन और हमारे पेंशन भोगे कुछ अपना पर्सनल बहुत सारे वेलफेयर एंड प्रिविलेज के लिए जो उन्होंने 10 फरवरी 2023 से मतलब तकरीबन 10 महीने से अपनी धरना प्रदर्शन लगे हुए हैं जंतर मंतर पर, लेकिन उनका कोई सुना नहीं जा रहा ना ही कोई, तो अब उनको ये स्टेप लेना पड़ रहा है कि हैड सबमिटेड मेमोरेंडम टू ऑल इंडियन किसान यूनियन, और इन्होंने सभी किसान यूनियन को भी दे दिया है और उनसे मांगा है सपोर्ट कि आप रेल रोको आंदोलन में हमारा सपोर्ट करें 25 नवंबर को। किसान यूनियन हैज प्रॉमिस्ड दैट ऑल द यूनियन विल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द रेल रोको, और सब जो भी यूनियन है हमारे किसान का वो इसमें पक्का पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने पूरा जो लेटर है वो मोदी जी को भेज दिया था, ये लेटर आपको मैं दिखाऊंगा अभी, देखिए आप पहले देख ही लीजिए। आज दिनांक है 23 तारीख और ये 23 अक्टूबर 2023 की सबसे बड़ी 7:02 AM का एक न्यूज निकल के आ रहा है। PMG यहाँ पे देखिए, ये एकदम लेटेस्ट न्यूज है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऑन 25th November 2020 द एक्स सर्विस मैन हु हैव बीन टू आइडेंटिटी प्रोटेस्ट ऑन 10 months विल हैव बीन, मतलब 10 महीने से जो उनका प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर उसके उसको ना सुनना अंधेका करना, तो रेल रोको विल स्टार्ट ऑन 25th November। तो ये सब देख सकते हैं पूरी न्यूज निकल के आ गई है। और यहाँ पे आइदर ये इन्होंने ये भी लिखा है, देखिए आइदर फ्रॉम कम्युनिटी और गिवन अ रिवॉर्ड ऑफ लाठी चार्ज, वो भी लाठी चार्ज लेने के लिए रेडी है लेकिन ये करेंगे क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं, ये आर या पार का लड़ाई स्टार्ट हो गई। जय हिंद।